बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। यह दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमजोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गए थे। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हर्ष ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा युगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेजों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे पेश देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से अंग्रेजों के अंतिम मुगल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू दिस वीडियो।